उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कलमा पढ़ाए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। बच्चे घर पर कलमा पढ़ रहे थे, इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो पूरी बात सामने आई। बच्चों ने बताया कि उन्हें स्कूल में यह प्रार्थना सिखाई जाती है। इस पर हंगामा मच गया। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। वहीं स्कूल प्रशासन ने खंडन करते हुए कहा है कि यह प्रार्थना है। स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की प्रार्थनाएं कराई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के दो विधान परिषद पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम समेत तमाम नेता मंत्रियों की मौजूदगी में बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार कीर्ति कोल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सपा ने सिर्फ एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं दोनों सीटों के लिए एमएलसी उपचुनाव 11 अगस्त को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ है। राजधानी लखनऊ और कानपुर के कमिश्नर बदल दिए गए हैं। डीके ठाकुर को प्रतीक्षा रतकर, एसबी शिरोडकर को लखनऊ पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। वहीं कानपुर में भी विजय मीणा की जगह बीपी जोगदंड को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वहीं यूपी में एडीजी रैंक के 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय विद्यालय में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के स्टूडेंट की खुदकुशी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में मोबाइल के साथ पकड़े जाने पर वाइस प्रिंसिपल ने एक हफ्ते के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया था। साथ ही पिता को भी फटकार लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि छात्र ने इसी वजह से आत्मघाती कदम उठाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और झांसी की गरौठा सीट से 2 बार विधायक रह चुके सपा नेता दीप नारायण सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व विधायक दीप नारायण के खिलाफ यूपी सतर्कता अधिष्ठान ने FIR दर्ज कराई है। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह पर आरोप है कि उन्होंने विधायक रहते हुए काली कमाई अर्जित की थी। दीप नारायण सपा से 2 बार विधायक और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।